नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के पहले आरआरटीएस कॉरिडोर के अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो काफ़ी तेजी से चल रहा है और एज ऑफ नाउ 41 किलोमीटर के सेक्शन पर जो पियर्स का कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश का जो पहला आरआरटीएस कॉरिडोर है इसकी ओवरऑल लेंथ 82 किलोमीटर से ऊपर की होगी, जिसमें से 70 किलोमीटर की स्ट्रेच एलिवेटेड होगी और वहीं 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी। और क्योंकि मोस्टली स्ट्रेच एलिवेटेड ही होगी तो इसके अंतर्गत ओवरऑल 2800 पियर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, जिसमें से एज ऑफ नाउ 1700 पियर्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया है। साथ साथ 25 किलोमीटर के स्ट्रेच पर वायर लाइन का भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, जिसमें 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर जो कि साइबाबाद से धोई के बीच में बनकर तैयार हो रहा है ये भी कंप्लीट हो गया है। कहा ऐसा गया है कि हमारी एनसीईआरटीसी के द्वारा जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है अब उसको जल्दी ही कंप्लीट कर दिया जाएगा और जल्दी ही इसके ऊपर ट्रायल्स भी स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के स्पेस सेक्टर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको शॉर्ट में इनस्पेस भी कहा जाता है, इनके जो हेडक्वार्टर्स अब बनकर तैयार हो गए हैं और 10 जून को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनका इनॉग्रेशन कर दिया जाना है। दोस्तों जो हेडक्वार्टर्स हैं ये अहमदाबाद के बोपल लोकेलिटी में बनकर तैयार हुए हैं, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि आने वाले समय हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड स्पेस एक्टिविटीज़ हैं वो और भी फास्ट होती देखने को मिलेंगी। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एक ऐसी एजेंसी है जिसको जून 2020 में हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था और इसका मेन एम ये था कि ये हमारे देश की जो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड स्पेस कंपनीज हैं उनके साथ में डील करेगी। और क्योंकि हमारे देश के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया है, तो ऐसे में बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड स्पेस कंपनीज हैं जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करना चाहती हैं और ये सभी थिंग्स हमारे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो हैंडल नहीं कर सकता था, जिसके चलते इस न्यू कंपनी का या फिर इस न्यू डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन किया गया है और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है हमारे देश की एक और डिफेंस फैक्ट्री से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अहमदाबाद बेस्ड अडानी ग्रुप के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो यूपी स्टेट में एक न्यू इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को सेटअप करने वाले हैं एंड इसके लिए उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। दोस्तों बेसिकली ये जो एमओयू है ये तो यूपी इन्वेस्टर समिट के दौरान ही साइन कर लिया गया था, लेकिन इसकी जो अपडेट है वो अब सामने निकल कर आ रही है। कहा ऐसा गया है कि जो प्लांट होगा ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको स्पेसिफिकली बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर की कानपुर नोड के अंतर्गत स्टेब्लिश किया जाएगा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स ओवरऑल 250 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में फैला होगा, जहां पर स्मॉल एंड मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स, ये सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। अडानी डिफेंस के द्वारा इस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में 1500 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जानी है, जिसके चलते आप देखेंगे आने वाले समय में हमारे देश की डिफेंस इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी और आत्मनिर्भर होती हुई देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर, जहां पर दोस्तों नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के अंतर्गत हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इस साल 1750 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवे हैं उनको मोनेटाइज करेंगे और इसके लिए एक न्यू प्लान प्रिपेयर कर लिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारे देश में नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान अनाउंस किया गया था तो उसी समय कह दिया गया था कि हमारे देश में जो रोड्स होंगे उनका भी काफ़ी लार्ज शेयर मोनेटाइज किया जाएगा। ओवरऑल 20,000 करोड़ रुपीज़ इसके थ्रू रेस किए जाने हैं और अब एक रोड्स की लिस्ट प्रिपेयर की गई है, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया है कि इस साल कौन कौन से रोड्स को मोनेटाइज किया जाएगा। कहा ऐसा गया है कि ओवरऑल इस लिस्ट में 14 रोड्स को इंक्लूड किया गया है, जिनकी ओवरऑल लेंथ 1750 किलोमीटर की है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है। और कहा ऐसा गया है दोस्तों कि ये मैंडेटरी भी था, क्योंकि हमारे देश के रोड बिल्डर्स होते हैं उनमें काफ़ी ह्यूज फंडिंग एंड फाइनेंसिंग की जरूरत होती है और हमारे देश के जो बैंक्स हैं उनको फाइनेंस कर ही नहीं पाते हैं। और एज ऑफ नाउ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के जो बैंक्स हैं वो इतनी बेहतर कंडीशन में है भी नहीं कि इनको फाइनेंस कर पाएँ। तो इसी के चलते हमारे देश में NHAI का जो डेट है वो एज ऑफ नाउ 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ पर पहुंच गया है, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। और इसी को रिड्यूस करने के लिए ये न्यू प्लान प्रिपेयर किया गया है, जिसके अंतर्गत लार्ज अमाउंट में फंड्स को रेस किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के ड्रोन कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों आपको जल्दी हमारे देश का पहला मेडिकल ड्रोन कॉरिडोर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एम्स दिल्ली को हरियाणा के झज्जर एम्स, जो कि करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके साथ ड्रोन सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एम्स दिल्ली है वो हमारे देश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल है और सिमिलरली इसी की तर्ज पर हरियाणा के झज्जर में भी एम्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। पर कहा ऐसा गया है कि एज ऑफ नाउ हरियाणा के झज्जर एम्स में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो वहाँ पर फैसिलिटीज ना होने के कारण हो नहीं पाते हैं और इसके चलते जो सैंपल्स हैं उनको फिर दिल्ली एम्स तक भेजना पड़ता है, जो कि झज्जर एम्स से जस्ट 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेट
लोकेटेड है और ओवरऑल झज्जर एम्स से दिल्ली एम्स तक इन सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1.5 आवर्स तक का समय लग जाता है, लेकिन अगर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ कुछ मिनट्स में ही ये ब्लड सैंपल्स एंड साथ साथ जो लाइफ सेविंग सप्लाईज हैं उनको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुँचाया जा सकता है, जो कि पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल थिंग होगी। और एज ऑफ नाउ हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इस प्लान को अप्रूवल दे दी गई है। सिर्फ दिल्ली पुलिस की अप्रूवल ही इसके लिए बची है और उनसे जब अप्रूवल मिल जाती है तो आप देखेंगे कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये मेडिकल ड्रोन कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है द्वारका एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे का ऑलमोस्ट 60% वर्क कंप्लीट कर दिया गया है। कहा ऐसा गया है कि दिसंबर 2023 तक ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो 27.6 किलोमीटर लंबा एक फुली ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जो दिल्ली को गुड़गांव से कनेक्ट करेगा। और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से गुड़गांव के बीच में ट्रैवल करने वाले ट्रैवलर्स हैं उनको एक अल्टरनेट रूट भी मिलेगा, साथ साथ दिल्ली के जो नॉर्थ एरियाज हैं वो काफ़ी डीकंजेस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली जो एक्सप्रेसवे होगा ये दिल्ली के महिपालपुर में शिवमूर्ति एरिया को गुड़गांव के खिड़की दौड़ से कनेक्ट कर देगा। और 9,000 करोड़ रुपीज़ का जो प्रोजेक्ट है ये अब बहुत आगे तक पहुंच चुका है और एज ऑफ नाउ ये कंप्लीट भी हो जाता, लेकिन ट्रैफिक प्रॉब्लम, कोविड एंड कंस्ट्रक्शन बैन, इस सब के चलते एज ऑफ नाउ ये प्रोजेक्ट डिले देख रहा है और अब इसकी डेडलाइन है वो दिसंबर 2023 सेट की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्वतमाला परियोजना से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों इस पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरऑल 156 प्रपोजल्स रिसीव हो चुके हैं। कहा ऐसा गया है कि आने वाले समय में जल्दी ही ये जो प्रपोजल्स के नंबर्स हैं ये 200 करोड़ कर जाएंगे। दोस्तों भारतमाला, सागरमाला, इसी की तरह सिमिलर बेसिस पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पर्वतमाला परियोजना को भी लॉन्च किया गया था, जो कि स्पेसिफिकली हमारे देश में रोडवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए लॉन्च की गई थी। और इस टास्क को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी द नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में वर्क करती है, उनको दी गई थी। और अब कहा ऐसा गया है कि जो टोटल 156 प्रपोजल रिसीव हुए हैं उसमें से 30 प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिनको फेज़ 1 के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इस 30 में से भी 10 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया है, और 18 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फिजिबिलिटी स्टडी बनाने के लिए अगले कुछ महीने के अंदर अंदर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। कहा ऐसा गया है कि इनिशियली लद्दाख, उत्तराखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में रोडवेज बनकर तैयार होंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन की जो रिवाइज डीपीआर है वो बना दी गई है। साथ साथ इसको अप्रूवल के लिए उन्होंने खेड एडमिनिस्ट्रेशन के पास में भी भेज दिया है। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको आपको बैकग्राउंड दूं तो पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन जो कि 235 किलोमीटर लंबी एक रेल लाइन होगी, ये खेड तालुका से पास होने वाली थी जो पुणे डिस्ट्रिक्ट केंद्र में आती है। और इस रेल लाइन प्रोजेक्ट की जो डीपीआर थी उसके अंतर्गत खेड़ तालुका के 10 ऐसे विलेजेस को ऐड किया गया था जो कि हमारी आर्मी के एक्सप्लोजिव डिस्ट्रक्शन एरियाज माने जाते हैं, और किसी भी हालत में इन एरियाज में कंस्ट्रक्शन वर्क किया नहीं जा सकता है, और अगर किया भी जाता तो आने वाले समय में ये इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी डेंजरस थिंग हो सकती थी। और इसी रीजन के चलते हमारे जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने MRIDCL को ये कहा था कि वो इसके लिए DPR को दोबारा से प्रिपेयर करें, और अब MRIDCL के द्वारा ये विलेजेस को इस पे से एक्सक्लूड कर दिया गया है और इसके लिए न्यू स्टेज को ऐड कर लिया गया है। और क्योंकि अब इसको दोबारा से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी तो इसी के चलते उनके द्वारा इस प्रपोजल को या फिर रिवाइज DPR को डिफेंस डिपार्टमेंट एंड खेड़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज दिया गया है, और वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद दोबारा से इसका जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो स्टार्ट हो पाएगा, जो कि इस रीज़न के कारण रुक गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।